राजधानी भोपाल के स्वराज भवन में वनमाली जी की 107वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई वरिष्ठ कवि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ रचनाकार संतोष चौबे ने वनमाली जी को याद करते हुए हिंदी साहित्य में उनके योगदान को अतुल्य बताया और कहा कि साहित्य के क्षेत्र में वनमाली जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 40 से 80 के दशक के बीच वनमाली हिंदी के कथा जगत में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे। एक अगस्त जो है वो जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली, जो हमारे समय के प्रख्यात कथाकार थे और मध्य प्रदेश के ही थे, उनकी जयंती होती है आज। तो उस अवसर पर ये कार्यक्रम भोपाल में, इसके अलावा खंडवा, बिलासपुर, अन्य जगहों पर मनाया गया। भोपाल में ये जो कविता पाठ है जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इसमें युवा कवि भी थे, वरिष्ठ कवि भी थे, और कोशिश ये थी कि वनमाली जी के बहाने थोड़ी कविता पर बातचीत हो सके और अच्छी कविताएं सुनाई जा सके। ये कार्यक्रम हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और अब हम लोगों का ये प्रयास है कि इसको बड़े स्तर पर किया जाए, क्योंकि वनमाली जी एक बहुत बड़ी प्रतिभा थे और हम लोगों के पितृपुरुष थे, इसलिए इनके जन्मदिन को हम इसलिए उत्साहपूर्वक मनाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा मिले कि किस तरह से शैक्षणिक गतिविधियों को, सांस्कृतिक